हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अभी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर छोटा सा चैप्टर है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे आपको हमेशा दिमाग में रखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन क्या आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान देना है, बैक्टीरिया पूछा है या साइनो बैक्टीरिया पूछा है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आते हैं, फ्री लिविंग पूछा है, सिम्बायोटिक पूछा है, एरोबिक पूछा है, एनएरोबिक पूछा है। इस बेसिस पे आपके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और केयरफुलनेस से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और जहाँ पे प्रॉब्लम आए मेरे से डिस्कस करना है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बाकी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर के। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरे से एग्जामिनर पूछता है भी, एग्जामिनर का माइंड कोई पूछता है भी, पिछले सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से आए, तो एग्जामिनर पूछता है राइस फील्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब यूज़ किया जाता है, देन आंसर इज एलोसीरा। अगर एग्जामिनर पूछता है राइस फील्ड की प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ाने के लिए कौन सी सिम्बायोटिक एसोसिएशन यूज की जाती है, तो आंसर आता है एनाबिनाजोला। सिम्बायोटिक पूछा है तो उसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एनाबिनाजोला। फ्री लिविंग पूछा तो आंसर क्या हो गया, एलोसीरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पूछता है तो एजोस्पायरलम, एनाबिना, बिजरनिकिया हमने अभी पढ़े हैं, तो इन्हें आपको याद करने ढंग से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं इस चैप्टर से, लेट्स सी। तो सबसे पहला आर्टिकल यही पढ़ा था इस चैप्टर में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड इज। मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लेवल पे कर्ड किसे बोलते हैं, कोएगुलेटेड मिल्क इज नोन एज कर्ड। फर्स्ट चॉइस दिया एसिटोबैक्टर, सेकंड चॉइस दिया लैक्टोबैसिलस, थर्ड दिया फेरोबैसिलस, फोर्थ दिया थायोबैसिलस। अब जो एसिटोबैक्टर या एसिटोबैक्टीरिया, ये एसिटोबैक्टीरिया जो, ये एस्टिक एसिड बनाता है विनेगर। विनेगर कैसा बनता है, अगर विनेगर ग्लूकोज से बनाना हो तो सबसे पहले क्या करोगे, ग्लूकोज को एनएरोबिकली फर्मेंट करोगे ईस्ट के साथ, ब्रीवर्स ईस्ट के साथ, तो उससे बनेगी इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को एरोबिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एस्टोबैक्टर एसिटी के साथ फर्मेंट करोगे तो क्या बनेगी, विनेगर। इसका मतलब विनेगर बनाने के लिए सब्सट्रेट क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। और अगर इथाइल अल्कोहल से विनेगर बनाना है तो ये एरोबिक प्रोसेस है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज करना है, एस्टोबैक्टर एसिटी। अगर आपको ग्लूकोज से अल्कोहल बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्लूकोज में डालोगे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, एनएरोबिक एनवायरनमेंट में इथाइल अल्कोहल बनेगी, फिर इथाइल अल्कोहल में एरोबिक एनवायरनमेंट में क्या डालोगे, एसिटोबैक्टर एसटी, उससे विनेगर बनेगा एस्टिक एसिड। ठीक है, सेकंड आ गया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ही यूज होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फेरो बैसिलस इज आयरन बैक्टीरिया, थायोबैसिलस इज सल्फर बैक्टीरिया। थायो का मतलब ही क्या होता है, सल्फर। कभी देखना जो स्किन ऑइनमेंट्स होती है ना, हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है उसकी दवाई पे क्या लिखा होता है, थायो। ठीक है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करोगे, लैक्टोबैसिलस, कोएगुलेटेड मिल्क इज नोन एज कर्ड। एलएबी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंप्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग, है ना। मेरे से कोई पूछे दूध पिए या दही खाएं, तो मैं बोलता हूँ दही खाओ। ठीक है, क्योंकि इंडिया लेवल पे कर्ड किसे बोलते हैं, दही को। दही क्यों खाओ, क्योंकि दही में वो सारे करेक्टर तो है ही हैं जो दूध में हैं, उसके अलावा ये विटामिन B12 रिच भी हो जाती है, इट इज रिच इन विटामिन B12। लैक्टिक एसिड इंप्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट। एक तो डाइजेस्ट करनी इजी है, दूसरे नंबर पे विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ गया, सो कर्ड इज बेटर देन मिल्क।
द डो, डो क्या है, गूंदा हुआ आटा, यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय. लो जी कितनी रद्दी च्वाइसिस हैं, अगर एलिमिनेशन मेथड से करोगे तब भी यूज हो जाएंगी. अब प्रोटोजोन्स हैं, इन्हें तो हम फर्मेंटेशन में यूज ही नहीं करते, वायरसेस को यूज भी नहीं करते, प्रोटोजोआ भी, प्रोटोजोन च्वाइस रिपीट होगी, प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन्स गलती से लिखा गया मुझसे, है ना. फिर भी कोई बात नहीं, आंसर क्या बन रहा है इसका, बैक्टीरिया. पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. हमने देखा जब हम डो को फर्मेंट करके रख देते हैं ईस्ट से, बेकर जीस से, तो एक तो उसमें इथाइल अल्कोहल बनती है और दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो उसकी पफ्ड अप अपीयरेंस है वो किसके कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण. The dough used for making bread is fermented using. हाँ जी अभी पीछे ही मैंने डिस्कस किया Saccharomyces cerevisiae. साइजो, Saccharomyces. साइजो का मतलब होता है फिशन, फिशन ईस्ट, डिवाइडिंग ईस्ट. कैंडिडा यूटिलिस, कैंडिडा लिपोलिटिका. लिपोलिटिका नाम बता रहा है, फैट तोड़ेगा ये. The large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of carbon dioxide by bacterium known as. हाँ जी Swiss cheese में ऐसा आ रहा है ना, तो इसका जो bacteria है उसमें भी ऐसा आता है, शर्मानी, है ना, Propionibacterium शर्मानी. Propionibacterium शर्मानी, ऐसे याद रखा करो, स्विस ऐसे शर्मानी. टोडी, मैंने आपको बताया था पंजाब में टोडी को क्या बोलते हैं, ताड़ी. ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम. हाँ जी पाम ट्रीज हैं जो, उनका सैप यूज किया जाता है. ये ताड़ी बड़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत कम अल्कोहल कंटेंट होता है इसमें. ये क्या क्वेश्चन है, एलएवी स्टैंड्स फॉर, चैप्टर ना भी पढ़ा हो तब भी कर देगा बंदा. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. रोकफोर्ट चीज आर राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक, जो हमने देखा. ये देखो मैंने बताया आपको चीज बन गया, अब चीज को क्या करेंगे हम, पेंसिलियम रोकफोर्टी नाम की फंजाई से फर्मेंट करके 18 महीने के लिए पैक करके एक जगह पे रख देंगे. जब आपने 18 महीने के लिए उसे एक जगह पे रख दिया, उसे मैच्योरिंग बोल देते हैं और राइपनिंग बोल देते हैं. तो रोकफोर्ट चीज की राइपनिंग के लिए क्या यूज की जा रही है, पेंसिलियम रोकफोर्टी फंगस. During the formation of bread, it becomes porous due to the release of carbon dioxide by the action of. हाँ जी सिंपल क्वेश्चन, Saccharomyces cerevisiae, ईस्ट. फर्स्ट फर्मेंटेड एसिड इज, सबसे पहला एसिड कौन सा बनाया था, लैक्टिक एसिड. देखो इसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है लैक्टिक एसिड में, 1, 2, 3. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो लैक्टिक एसिड है इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड. तो इसका मतलब जो एक ग्लूकोस है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में. और जब इससे लैक्टिक एसिड बनेंगे और आप ध्यान दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी इन दिस प्रोसेस,
कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना, दो लैक्टिक एसिड इज ए थ्री कार्बन कंपाउंड, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू सिक्स. ग्लूकोज में कितने कार्बन है, सिक्स, सिक्स सिक्स बराबर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो गुंजाइश ही नहीं बची. इसका मतलब इथाइल अल्कोहल दो कार्बन कंपाउंड है. जब इथाइल अल्कोहल बनती है ग्लूकोज से तो दो इथाइल अल्कोहल चार कार्बन प्लस दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती हैं, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये नहीं होता. चीज एंड योगर्ट आर प्रोडक्ट्स ऑफ, चीज और योगर्ट कैसे बनती है, चीज और योगर्ट भी हम कैसे बनाते हैं, बाय फर्मेंटेशन से. एक्चुअल में जो योगर्ट है, जो हम जिसे दही बोलते हैं इंडिया में, उसे योगर्ट बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. और व्हाट इज पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन एक टेक्निक है जो किसने डेवलप की थी, लुई पाश्चर ने. और जो पेस्चराइजेशन टेक्निक है इसमें क्या किया जाता है, 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 15-20 मिनट के लिए मिल्क हो गया या वाइन हो गया उसे बॉइल किया जाता है. तो उस केस में उसमें जितने भी वेजिटेटिव फॉर्म्स हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, वो डाई कर जाती हैं. और जो वाइन है और मिल्क है उसका टेस्ट भी खराब नहीं होता. इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन बोलते हैं. आप जब भी मार्केट से मिल्क लेके आते हो, वेरका का मिल्क या अमूल का मिल्क, तो आप इन मिल्क पे या मिल्क प्रोडक्ट्स पे देखना या लिखा होगा पेस्चराइज्ड मिल्क. तो क्या किया हुआ है इन्होंने, पेस्चराइजेशन टेक्निक अप्लाई की हुई है ताकि जितनी भी वेजिटेटिव फॉर्म्स हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, वो इस टेम्परेचर पे इतने टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. पर स्पोर्स नहीं मरेंगे, ध्यान रखना. ये स्टरलाइजेशन नहीं है. स्टरलाइजेशन का मतलब होता है लाइफ फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना. इसमें आपने लाइफ फ्री एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया. अगर कोई स्पोर्स पड़े हैं तो वो परसिस्ट करेंगे, लेकिन वेजिटेटिव फॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. बायोटेररिज्म इज चेक्ड बाय, पढ़ा ना हमने बायोटेररिज्म, माइक्रोब्स को या बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज करके, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाना, इसे क्या बोलते हैं, बायोटेररिज्म. और बायोटेररिज्म किसके, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ऐसी ब्रांच दी या प्रोटियोमिक्स, जब आप प्रोटीन्स की डीसिफरिंग करते हो उसमें कौन सा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है तो उसे प्रोटियोमिक्स बोल देते हैं. बायोकेमिस्ट्री तो आपको पता ही है, ठीक है. बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस. बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक डिसिप्लिन है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. पेंसिलिन डिस्कवर्ड बाय, याद आ रही है इनकी फोटो, स्मार्ट से बंदे, यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. वॉक्समैन ने क्या किया था, ही कॉइंड द टर्म एंटीबायोटिक, ही टर्म्ड एंटीबायोटिक. दो क्वेश्चन हो गए ना, एंटीबायोटिक डिस्कवर किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. एंटीबायोटिक टर्म किसने दी, वॉक्समैन ने. तो अब मैंने आपको बताया सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी फंगस से, किसने डिस्कवर की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, ठीक है, फंगल नहीं पूछ रहा, बैक्टीरियल पूछ रहा है, तो आपका आंसर आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन. और किसने डिस्कवर की, वॉक्समैन ने. फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन एंड ही कॉइंड द टर्म एंटीबायोटिक. एडवर्ड जेनर, ये भी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. जो हम इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर डिसिप्लिन है, साइंस है, उसके फादर किसे कंसिडर किया जाता है, एडवर्ड जेनर को. इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, सबसे पहली वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग वायरस ऑफ काउपोक्स. काउपोक्स का वायरस यूज करके स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने. तो इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है. लुई पाश्चर तो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, फादर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री,
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने, पेस्टराइजेशन टेक्निक इन्होंने दी। पेंसिलिन्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चेन एंड फ्लोरे। तब इन 1945 का जो नोबेल प्राइज है वो फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे को मिला था ना, चेन और फ्लोरे ने इसका फुल इफेक्टिव एंटीबायोटिक की तरह पोटेंशियल एक्सप्लॉइट किया था, चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। एंटीबायोटिक एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वूंड इन द वर्ल्ड वॉर टू वाज पेंसिलिन। वंडर ड्रग, ऐसी ऐसी बीमारियां जो बड़ी पॉपुलेशंस को खत्म कर देती थी सब कंट्रोल कर ली हमने विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें सबसे पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वंडर ड्रग पेंसिलिन। प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी आर कॉज्ड बाय, हाँ जी प्लेग याद आ रही है, ब्लैक डेथ, इसे पैर अपना बायोटेररिज्म में यूज किया गया। हाँ जी, कॉस्टिव एजेंट ऑफ प्लेग इज पास्चरेला पेस्टिस और इर्सिनिया पेस्टिस, एक बैक्टीरिया है। वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, लेप्री लेप्रोसी कोर्नी बैक्टीरियम लेप्रे, है ना। तो क्या है ये सारे बैक्टीरिया, दे ऑल आर बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड विच इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज स्ट्रेप्टोकाइनेज। मैंने आपको बताया था ये ब्लड क्लॉट बस्टर है, जैसे किसी की ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट बन गया, जब ये क्लॉट पतली कैपिलरीज में जाके फंसेगा तो वहां पे ब्लड की सप्लाई रोक देगा, तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स और हाइपोक्सिया ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो वाला एरिया डैमेज हो सकता है। अगर ये क्लॉट ब्रेन में बन गया तो स्ट्रोक हो सकता है, अगर हार्ट की किसी वेसल में बन गया तो उस केस में हार्ट अटैक हो सकता है। तो उस क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लड क्लॉट बस्टर, उसे डिजोल्व करने वाला स्ट्रेप्टो काइनेज। तो क्या हो गया ये ब्लड क्लॉट बस्टर, है ना। दूसरा भी बताया था मैंने टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, बट बेटर कौन है दोनों में से, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्योंकि टीपीए है इसे बार बार नहीं दे सकते, हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट काम कर जाता है, बट स्ट्रेप्टोकाइनेज आप बार बार दे सकते हो पेशेंट को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड पेंसिलियम नोटेटम वाइल वर्किंग ऑन दिस बैक्टीरिया, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टेफाइलोकोकस ओरियस पे, स्टेफाइलोकोकाई ओरियस। ये देखिए ये पेंसिलिन की मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड पेंसिलिन, वेरी लार्ज वेसल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स आर बायोफर्मेंटर्स। मैंने आपको बताया था ऑटोक्लेव हैं, इनमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है, ये भी एक तरह के गीजर जैसी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, और जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होंगी वो सारी डिस्ट्रॉय कर देगा ऑटोक्लेव, इसका मतलब ये मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बीवरेज, ड्रिंक नहीं है, अरे भाई कितना रद्दी क्वेश्चन डाल दिया, पेंसिलिन है ना, वाइन क्या है, वाइन और बियर, ये ऐसे बीवरेजेस हैं अल्कोहलिक बीवरेजेस जिनमें अल्कोहल कंटेंट कम होता है क्योंकि हम इन्हें डिस्टिलेशन नहीं करते, और रम में इसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है
क्योंकि ये डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। माइक्रोब्स यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। माइक्रोब कौन सा यूज करोगे भाई? अल्कोहल बनानी है, यही यूज करोगे? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी या ब्रीवर्स यीस्ट? यीस्ट यूज करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल? यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। बियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? हाँ जी, किससे बनती है बियर? बियर बनती है बारले से। बारले को फर्मेंट किया जाता है, उससे बनती है बियर। मोलेसेस क्या है? जब हम गुड़ शुगर बनाते हैं ना, चीनी बनाते हैं, तो एक बाई ब्राउन कलर का बाई प्रोडक्ट बचता है, उसे मोलेसेस बोलते हैं। इन मोलेसेस को रम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है ना। ग्रेप जूस यूज किया जाता है वाइन्स वगैरह बनाने के लिए, और बारले यूज किया जाता है बियर बनाने के लिए, है ना। जब मैं छोटा था तो मेरा एक दोस्त था, उसे शेरो शायरी का बहुत शौक था। वो एक शेर बोलता था, बारले से बनती है बियर, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। विच इज नॉट ए करेक्टर ऑफ गुड एंटीबायोटिक? नोट, नो साइड इफेक्ट फॉर होस्ट, डिस्ट्रॉय माइक्रोफ्लोरा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ होस्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इमीडिएट रिएक्शन। नोट करेक्टर है ना, डिस्ट्रॉय माइक्रोफ्लोरा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ होस्ट। देखो, मैंने आपको बताया था जितनी हमारी बॉडी में सेल नहीं है उतने हमारी बॉडी में बैक्टीरिया बढ़े हैं। अब इंटेस्टिनल फ्लोरा है, जो इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया, वो यूजफुल बैक्टीरिया हैं। अब उन्हें नहीं मारना, लेकिन किसे मारना है? पैथोजेनिक माइक्रोब्स को। तो गुड एंटीबायोटिक मतलब इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को नहीं मारेगी, लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारेगी। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती हैं? आपने प्लस वन में पढ़ा बैक्टीरिया है, जो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो बर्गी मैनुअल में की गई है। देयर इज अ मैनी वॉल्यूम बुक, बर्गेज मैनुअल। व्हेन आई वाज स्टूडेंट इट वाज 4 वॉल्यूम बुक, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ इसके 6 वॉल्यूम आ गए हैं। और ये जो बर्गेज मैनुअल है, इसमें बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ एंटीबायोटिक सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारती हैं, कुछ एंटीबायोटिक सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती हैं। जो सिर्फ एक को मार रही हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मार रही हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होगी? जिनकी रेंज ब्रॉड है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च? भाई, अब स्टार्च से बनानी है इथेनॉल, है ना। पहले स्टार्च है क्या? स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोस। ग्लूकोस बहुत बार जुड़ा हुआ है, पॉलीसेक्राइड है। तो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है स्टार्च। इसका मतलब स्टार्च को सोलवल शुगर में कन्वर्ट करोगे माल्टोज में, तो सबसे पहले स्टार्च को कन्वर्ट करो माल्टोज में, फिर माल्टोज को कन्वर्ट करो ग्लूकोस में, फिर ग्लूकोस को कन्वर्ट करो इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH में। तो अब इस केस में स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे? अमाइलेज। अमाइलेज ही काम करता है स्टार्च पे, हमारे सलाइवा में भी पड़ा सलाइवरी अमाइलेज। और उसके बाद माल्टोज क्या है? माल्टोज डाइसेक्राइड है, गुलगुल माल। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़के बनाते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इसमें, इसे कौन तोड़ेगा? माल्टेज। इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज है, उसे इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, जाइमेज। जाइमेज ये तीनों एंजाइम देगा कौन? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, बेकर्स यीस्ट। ठीक है भाई, इतना करो, बाकी क्वेश्चन थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज वैक्सीन। अब देखो जो वर्ड है वैक्सीन, ये वर्ड है वेका से, वेका ये टर्म दी थी लुई पास्चर, है ना। फर्स्ट वैक्सीन बनाई किसने? एडवर्ड जेनर ने। टर्म किसने दी? लुई पास्चर ने। और वर्ड कहां से डिराइव किया? बेका। बेका का मतलब होता है कैटल और काउ। मैंने आपको बताया जो सबसे पहली वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर ने काउपोक्स से बनाई, काउपोक्स के वायरस से बनाई, और किसके अगेंस्ट बनाई? स्मॉल पोक्स के अगेंस्ट। तो इसलिए वहां से वर्ड ही उठा दिया वेका से वैक्सीन, पर काउ से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज वैक्सीन? ट्रीटेड बैक्टीरिया वायरस एंड प्रोटीन, ट्रीटेड एल्गी, ट्रीटेड फंजाई, ट्रीटेड प्लाज्मोडियम। हाँ जी, वैक्सीन किसे ट्रीट करती है? वैक्सीन हमने नोटिस किया हम अलग अलग डिजीजेस के अगेंस्ट बना लेते हैं, जैसे बीसीजी है, बेसलस कामेट ग्यूरिन। जो बेसलस है वो तो बैक्टीरिया के लिए हो गया, और कामेट और ग्यूरिन है सीजी, ये जिन्होंने उसे बनाया डेवलप किया उनके ओनर में इसका नाम रख दिया बीसीजी, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगी। और पोलियो वायरस है उसके अगेंस्ट वैक्सीन है। तो हम देखते हैं ज़्यादातर वैक्सीन किसके अगेंस्ट बनती हैं? वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। After viral infection, some substances are released by infected cells. These substances are known as. Virus की infection के बाद कुछ substances release किए जाते हैं infected cells के द्वारा, इन्हें हम interferons बोलते हैं। Interferons है क्या? Chemically ये glycoproteins है। इंटरफेरॉन्स आर केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये प्रोड्यूस कौन करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो ये मान लो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये मान लो हेल्दी सेल्स हैं, ये हेल्दी सेल्स हो गए, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हो गए। तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ने ये प्रोड्यूस कर दिए इंटरफेरॉन्स। अब ये जो हेल्दी सेल्स हैं उन पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलरली अटैच हो जाएंगी जाके अपने रिसेप्टर्स के साथ। तो जब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होएंगी तो ये ऐसे एंजाइम्स बनाना बंद कर देंगी जो वायरस को अपनी रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। तो इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स। जैसे इसकी एक एनालॉजी लेते हैं, कुछ घरों में आग लग गई रात के टाइम, जिन घरों में आग लगी उन्होंने फोन कर दिया दूसरे घरों में जो जिनमें अभी आग नहीं लगी, भाई हमारे घर में आग लग चुकी है, जितना भी जलने वाला सामान है उसे एक साइड पर रख दो उठा के, नहीं तो तुम्हारे घर भी जल जाएंगे। वैसे काम कर रहे हैं इंटरफेरॉन्स। काम कैसे कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलरली, सेल के अंदर नहीं जाते, सेल के बाहर ही एक्ट करते हैं। रोकफोर्ट चीज इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग, पेंसिलियम रोकफोर्टी, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। A compound which is produced by an organism and inhibits the growth of other organism is known as. A compound जो organism produce कर रहे हैं और दूसरे organism को kill कर रहे हैं, उनकी growth को inhibit कर रहे हैं, antibiotics बोलते हैं। Antibiotics are the chemical substances produced by some microbes, some bacteria, some fungi, some algae which are used to inhibit or kill other microorganisms. एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी एक वाई शेप्ड प्रोटीन होती है जो हमारे बी प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जब हमें किसी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है। उस फॉरेन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एंटीजन। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में एंटर हुआ और उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एंटीजन। मान के चलो हमने क्या किया, एक इंसान की बॉडी में पेसमेकर लगा दिया, तो
तो पेसमेकर भी तो फॉरेन सब्सटेंस है, लेकिन अब वो पेसमेकर जो उसकी बॉडी में इम्प्लांट किया है तो उसने जो रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया, सो यू कैन नॉट कंसिडर दिस एज एंटीजन। इसका मतलब एंटीजन का मतलब फॉरेन सब्सटेंस नहीं है। एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है उसे बोलते हैं एंटीजन, और एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती होती हैं एंटीबॉडीज। बाकी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नो ट्रू अबाउट एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय वॉक्समैन। सम पर्सन कैन बी एलर्जिक टू ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। एंटीबायोटिक टर्म्स वॉज कॉइंड बाय वॉक्समैन 1942। सम पर्सन कैन बी एलर्जिक टू ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, यस पेंसिलिन है। आजकल पेंसिलिन से हर एक आदमी एलर्जिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया तो ट्रेडमिल है, जो पैथोजन्स हैं वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं और हम लोग एंटीबायोटिक से एलर्जिक होते जा रहे हैं। ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म, नहीं। जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं वो एक पर्टिकुलर तरह के जर्म्स को मारती हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो काफी तरह के पैथोजन्स को मारती हैं। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक्स ज्यादातर आप एक्टिनोमाइसिड से लेते हो, है ना, लेकिन एक्टिनोमाइसिड्स के साथ साथ फंजाई से भी काफी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। तो आंसर हमने ले लिया 1 and 2, बट आप मान लो अगर फंजाई चॉइस में ना होता तो हम अकेला आंसर ले सकते थे एक्टिनोमाइसिड्स। एक्टिनोमाइसिड्स का पुराना नाम क्या है, रे फंजाई, पहले से फंजाई में प्लेस किया गया, लेकिन इसकी प्रो कैरियोटिक नेचर होने के कारण हमने इसे प्लेस कर दिया किंगडम मोनरा में। एक्चुअली ये माइसीलियल बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया जो माइसीलियम बनाता है जैसे फंजाई की बॉडी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज, सिट्रिक एसिड किससे बनाया, एस्परजिलस नाइगर से। याद रखने वाली बात है, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन विच प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन, और जी सबसे ज्यादा इनमें से किसमें होगी, ब्रांडी में। फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हार्मोन इज, है ना, इंसुलिन बनाया था सबसे पहले, है ना। जो इंसुलिन है ये बेसिकली है क्या, एक प्रोटीन है, और हमने पढ़ा जो हमारी इंटेस्टाइन है ये सी शेप्ड होती है, और हमारी इंटेस्टाइन में सी शेप्ड इंटेस्टाइन के ग्रुप में ऐसे पड़ा होता है पैंक्रियास। अब ये पैंक्रियास है जो उसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स हैं जो वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो डेल्टा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। आप याद रखो अलगो, अल का मतलब अल्फा, गो का मतलब ग्लूकागोन, बिन सेकंड फंडा याद रखो बिन, बीटा सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन, डीसू, डी का मतलब डेल्टा सेल्स प्रोड्यूसेस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। तो ये इंसुलिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। अब बेसिकली अब हमने देखा ये एक प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन को डिसिफर किया डिसिफर्ड बाय सेंगर, तो उन्होंने देखा इसमें दो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड है उसमें 21 अमाइनो एसिड है, जो सेकंड पॉलीपेप्टाइड है उसमें 30 अमाइनो एसिड है। इसे ए पेप्टाइड बोलते हैं, इसे बी पेप्टाइड बोलते हैं, और ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ आपस में जुड़ी हैं, बोथ आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स।
तो टोटल अमीनो एसिड्स कितने हो गए 51, ए चेन में कितने हैं 21, बी चेन में कितने हैं 30, टोटल कितने हो गए 51। सुपर माइक्रोब्स शो रेजिस्टेंस टू ड्रग्स, री इमर्ज्ड डिजीजेस, बार बार होने वाली बीमारियां। है ना, री इमर्ज्ड का मतलब बार बार होने वाली, लेकिन इसने पूछा नोट री इमर्ज्ड डिजीज, तो सार्स होगी, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, बाकी तीनों तो री इमर्ज्ड है, बार बार होने वाली। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू सेव गंगा एंड यमुना रिवर्स इन अवर कंट्री, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने आपको समझाई भी थी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, ये ध्यान रखते हैं हमेशा, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, सीवेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड माइक्रोब्स विच आर मेनली सेप्रोफिटिक, इनकरेक्ट पूछा है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो, ए मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ये तो ठीक हो गया, ट्रीटमेंट किससे करते हैं हम, हेटरोट्रॉपिक एरोबिक माइक्रोब्स की हेल्प से। प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, फर्स्ट स्टेप फिजिकल है, सेकंड बायोलॉजिकल है, तो फर्स्ट फिजिकली है और फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। सीवेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स विच आर मेनली हेटरोट्रॉपिक, है ना, इसमें सेप्रोफेटिक लिख दिया ना इसने, ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड बाय, यहां लिखा हुआ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ट्रीटेड बाय हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स। इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, कहीं पे अगर मान के चलो जो हमारे घरों में पानी आ रहा है उसके साथ सीवेज वाटर अटैच हो गया तो उसमें कौन सा मिलेगा, एस्कर्शिया कोलाई, एस्कर्शिया कोलाई किसका इंडिकेटर है, सीवेज वाटर पोल्यूशन का, तो ये आंसर बनेगा इनमें से। और मैंने आपको बताया था भी, जैसे कोई नदी है अगर उसे नाले का पानी उसमें फेंक रहे हैं तो उसमें बीओडी बढ़ जाएगा, डीओ कम हो जाएगा, तो वहां पे कौन ग्रो होएगा, ट्यूबिफेक्स ब्लड वॉर्म, ये अपने अंदर ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं। सीवेज प्योरिफिकेशन इज डन बाय, कितना रद्दी क्वेश्चन है ना, अगर चैप्टर ना भी पढ़ाओ तब भी आंसर दे देंगे माइक्रोब्स। इकोलाई इज यूज्ड एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमिन पोल्यूशन ऑफ वाटर विद हैवी मेटल्स, फीकल मैटर, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, पोलन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, देखो फीकल मैटर है ना, इकोलाई कहाँ पे पाया जाता है हमारे फीकल मैटर में, तो ये सीवेज वाटर का वो है, इंडिकेटर है, क्योंकि सीवेज वाटर में मेनली फीकल मैटर होता है। ड्यूरिंग एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड, क्या डिग्रेड नहीं होगा, लिग्निन, ठीक है, लिपिड्स, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं लेकिन लिग्निन डाइजेस्ट नहीं होता। ब
बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोगैस ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट बाय मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. इट इज वन स्टेप प्रोसेस, टू स्टेप प्रोसेस, थ्री स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस. तो अब आप याद करो बायोगैस प्रोडक्शन में क्या होता है. ये पहले पढ़ी हैं, मान लो प्रोटीन्स पढ़ी हैं, लिपिड्स पढ़ी हैं, पॉलीसेक्राइड्स पढ़ी हैं. प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स पढ़ी हैं गोबर में. ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स को जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया है वो किसमें कन्वर्ट कर देगा? सोलुबल कंपाउंड्स में. प्रोटीन्स के बन जाएंगे अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स के बन जाएंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, और पॉलीसेक्राइड्स के बन जाएंगे मोनोसेक्राइड्स, सोलुबल कंपाउंड्स. अब इससे क्या बनाया जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड्स. ये सेकंड स्टेप हो गया. अब ऑर्गेनिक एसिड्स की फर्मेंटेशन की जाएगी, इसे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से किसमें कन्वर्ट कर देगा? बायोगैस में. हो गए तीन स्टेप. ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका फ्लो चार्ट भी बनाया था, इसे याद करो. ये प्लस टू में भी आ जाता है क्वेश्चन. रेट लिमिटिंग स्टेप इन बायोगैस प्रोडक्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप इन बायोगैस प्रोडक्शन इज सेलुलोज. अब बेसिकली रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है? आप मान के चलो जब भी कोई काम कर रहे हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? जिसकी डीकम्पोजिशन सबसे लेट हो रही है, तो इनमें से सबसे लेट डीकम्पोजिशन किसकी होगी? सेलुलोज की. इसका मतलब जितना ज्यादा सेलुलोज होगा रॉ मटेरियल में, उतनी डीकम्पोजिशन स्लो होगी. तो इसलिए रेट लिमिटिंग स्टेप कौन हो गया? बायोगैस प्रोडक्शन में डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. विच वन प्रोड्यूस गैस बाय डीकम्पोजिंग द गोबर गैस, गोबर इन गोबर गैस? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट? मिथेनोजेंस. ए मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस इज, तो यार मिथेन होती है 50-70%, है ना, 20-30% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाकी 10% ट्रेस गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी. तो सबसे ज़्यादा क्या होगी? 50-70% मिथेन, 20-30% कार्बन डाइऑक्साइड, 10% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर गैसेस. माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज. हाँ जी, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को मारना है, बैसिलस थुरिंजियेंसिस को यूज कर लें, बीटी बैसिलस थुरिंजियेंसिस बैक्टीरिया, है ना. बैसिलस थुरिंजियेंसिस क्या करता है? ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन, जिसे क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं. तो ये जो क्राई प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं, ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रिलीज होते हैं. जब जो ये प्रोटॉक्सिन है, ये कैटरपिलर की इंटेस्टाइन में जाती है, वहां पे से एल्केलाइन मीडियम मिलता है. एल्केलाइन मीडियम में बेसिकली ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, और ये प्रोटीन क्या करती है, जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है उसमें परफोरेशन कर देती है बाय मेकिंग होल्स इन सेल्स. तो बेसिकली आंसर आ गया बैसिलस थुरिंजियेंसिस. मेजोरिटी ऑफ बैक्लोवायरसेस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस, हाँ जी, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, एनपीवी, पहले ही आंसर है. बैक्टीरियम एंड वायरसेस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स रिस्पेक्टिवली आर. अब इसका ध्यान रखना है, पहले कौन आया बाद में कौन आया. अगर रेस्पेक्टिवली ना देता तो पहले बाद का चक्कर खत्म हो जाता. बैक्टीरियम एंड वायरसेस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स रिस्पेक्टिवली आर. बैक्टीरियम पहले आएगा, वायरस बाद में. बैसिलस थुरिंजियेंसिस, हाँ इसे यूज करते हैं बायो कंट्रोल. ट्राइकोडर्मा फंगस है, उसने वायरस पूछा सेकेंड, तो ये च्वाइस गई बैसिलस थुरिंजियेंसिस एंड बैक्लोवायरस. आंसर आ गया
बॉम्बे। स्पीशीज ऑफ फंगस आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। स्पीशीज ऑफ दिस फंगस आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। अभी हमने बात की ट्राइकोडर्मा, फाइटोप्थोरा जीनस सुना होगा आपने, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइटो पोटैटो, पक्सिनिया ग्रेमनिस ट्रिटिगी, है ना, हेटरोशियस फंजाई है। अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इसे दो होस्ट चाहिए, बारबेरी प्लांट एंड वीट प्लांट। पेंसिलियम तो आपने पढ़ा ही है, फंगस है। ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट, फ्री लिविंग फंगस यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट। फ्री लिविंग बैक्टीरियम पहली चॉइस में, सेकंड में फ्री लिविंग फंगस, हमें पता है ये फंगस है। सिम्बायोटिक बैक्टीरियम गलत हो गया, फ्री लिविंग निमेटोड गलत हो गया, तो फंगस तो एक में ही आया, फ्री लिविंग फंगस यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट। ये रूट्स के आसपास रहती है। बैक्लोवायरसिस अटैक, हाँ जी, किन्हें करते हैं बैक्लोवायरसिस? आर्थ्रोपोड्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स? हमें इन्हें बोला प्लांट लाइस, प्लांट का सैप सक करते हैं ना, और सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन फैलाते हैं प्लांट्स में, एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। देखो वर्ड फिर आ गया रिस्पेक्टिवली, एफिड्स को मारने। हाँ जी, कौन खाएगा एफिड्स को? एफिड्स को खाएगा लेडी बर्ड, और मॉस्किटोज को ड्रैगन फ्लाइज, है ना। डायग्राम्स भी दिखाई थी इनकी, है ना, ऑरेंज से कलर का था ना बीच में, डॉट्स बने हुए थे ब्लैक कलर के, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज तो आपको पता ही है, हेलीकॉप्टर जैसे दिखती हैं। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स के क्वेश्चन है ये। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक वर्ड डाल दिया है इसने, है ना, तो राइजोबियम आ जाएगा। और उसके बाद अजेबिज अजोटोबैक्टर, है ना, पढ़ा है ना आपने, फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजल फंगस इज नोस्टोक, ग्लूमस जीनस हमने पढ़ा है। टोडी मेड फ्रॉम फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम नीम गलत हो गया, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम मैंगो गलत हो गया, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स ये ठीक हो गया, सी आंसर। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम इज अ, भाई क्लोस्ट्रीडियम जीनस किसका है? बैक्टीरिया का, एनरोबिक जीनस ऑफ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, आंसर आ गया ए। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाने वाला फंगस है ये। रिसेंटली इमर्ज्ड डिजीजेस अमंग द फॉलोइंग इज, भाई ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा पुरानी बीमारी है, ठीक है, एड्स नई बीमारी है, ठीक है, कोविड 19 नई बीमारी है, रिसेंटली मस्ट में कोविड 19 भी आ सकता है क्वेश्चन। री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजिंग अमंग द फॉलोइंग, बार बार होने वाली बीमारियां, हाँ जी, टीबी। वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू सोसाइटीज बायोटेररिज्म, है ना, मैंने ओसामा बिन लादेन की एग्जांपल दी, जापान ने अटैक किया था यूएसए पे प्लेग के स्पोर यूज करके, है ना। ओसामा बिन लादेन ने रिसेंटली क्या यूज किया था? बेसलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स। अब चाइना का पता नहीं है ये एक्सीडेंट हुआ है या बायोटेररिज्म है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा। ओके भाई, ये थी कुछ प्रैक्टिस, बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।